कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है और कई व्यक्तियों के इस कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु भी हुई है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। यद्यपि लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसके सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं और सभी लोगों के बीच जागरूकता भी चलाई जा रही है। विभिन्न आदेशों से लोगों के बीच मास्क की आवश्यकता के बारे में भी जानकारी दी गई है और इन्फोर्स कराया जा रहा है कि लोगों के द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाए ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण कम से कम फैले न फैले। लेकिन इसके बावजूद जिले में 600 से भी अधिक कोरोना संक्रमण से संक्रमित लोग हुए हैं। हालांकि इसमें से अधिकांश लोग रिकवर कर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जितनी बड़ी संख्या में बढ़ रहा है, तो कल बैठक में हम लोगों ने तय किया और पुनः जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया है कि शहर में कई छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन हैं, तो उस सभी कंटेनमेंट जोन को इकट्ठा करते हुए पूरे शहर को कंटेनमेंट जोन मानते हुए कंटेनमेंट जोन में जो लॉकडाउन किया जाना है उस लॉकडाउन को परिचालित किया जाए। तो ये स्थिति सभी नगर निकाय की में है, यहाँ है सुल्तानगंज, नौगछिया एंड कहलगांव क्षेत्र एवं अन्य नगर निकाय इकाइयों में सभी दुकानें, सभी प्रतिष्ठान, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस सभी बंद रहेंगे। कुछ चीज़ों को जो अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया है वह है निजी एवं सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं, दूध डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, फल सब्जियों की दुकानें, दवा की दुकान, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस, ई कॉमर्स की सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, इनको एग्जेम्पशन की सूची में रखा गया है और इसके अतिरिक्त सभी चीज़ें बंद रहेंगी। सरकार का निर्णय है कि जो जरूरी सेवाओं के लिए भी लोग बाहर निकलेंगे उनमें भी मास्क 100% प्रयोग किया जाना है और मास्क का प्रयोग नहीं करने की स्थिति में शास्ति देने का भी प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 50 रुपये का फाइन किया जाना है और लगातार कल से कार्रवाई भी मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। कुछ प्रतिष्ठानों को भी बंद कराया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी प्रतिष्ठान में जो कि एग्जेम्प्टेड श्रेणी में है और उसमें भी ये पाया जाएगा कि इन निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो उन प्रतिष्ठानों को भी अलग से पुनः बंद करा दिया जाएगा, यद्यपि वे आवश्यक सेवाओं की ही क्यों न हो। तो हर एक हाल में मास्क का प्रयोग किया जाना है और इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया है कि परिवहन के भी जो साधन हैं उन साधनों में भी मास्क का प्रयोग, जो भी सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं उसमें मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना है। इस जो कंटेनमेंट अवधि जो हम लोग 1 सप्ताह का कर रहे हैं, ये कल हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 5 दिन का हम लोग करेंगे, 4 दिन का करेंगे, लेकिन इसको बढ़ा करके हम लोग 5 दिन तक के लिए कर रहे हैं, जो कि 9/7/20 के पूर्वाह्न से यानी कि कल सुबह 6 बजे से 13 जुलाई के 6 बजे तक सुबह तक ये प्रभावी रहेगा। और इसके अंतर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उसके बारे में जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित हैं, पूर्व निर्धारित हैं, चाहे शादी हो, किसी तरह की कोई कार्यक्रम पहले से हो, तो उसमें कंसर्न थाना को सूचना दे करके संख्या के बारे में सूचना और सहमति करते हुए ही कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। आवर हार्ट नेवर हार्डन्स, आवर टेंपर नेवर टायर्स, आवर टच नेवर हर्ट। वी वैल्यू व्हाट वी डू। वी आर पारस, वर्क फॉर कॉज नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद